आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ सूबे के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या में होने वाले विकास कार्यों के विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ भविष्य की अयोध्या पर एक प्रेजेंटेशन भी देखा। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट के तहत अयोध्या के विकास का जो रोडमैप तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से ही तैयार किया गया है। अयोध्या पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। पीएम मोदी ने देखा अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट। अयोध्या यानी जिसे हराया न जा सके, अयोध्या यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी, अयोध्या यानी भारत की आध्यात्मिक कर्मभूमि। शनिवार को प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विकास मॉडल के रोड मैप यानी अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट पर एक अहम बैठक की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी को इन प्रोजेक्ट के डिजिटल मॉडल को दिखाया गया। इतना ही नहीं, बैठक में पीएम को यह भी जानकारी दी गई कि अयोध्या में अब तक कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और किन कामों पर भविष्य में काम होने जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनाने की तैयारी है और करीब 500 लोगों की राय विजन डॉक्यूमेंट में शामिल की गई है। अयोध्या के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट के तहत जो रोड मैप तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। भविष्य की अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मकसद अयोध्या का आधुनिकीकरण करना ही नहीं बल्कि उसकी कोशिश है कि अयोध्या का पुरातन स्वरूप भी बरकरार रहे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य की अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। अयोध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेजेंटेशन देखने के बाद पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या एक ऐसा शहर है जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। अयोध्या आध्यात्मिक शहर है, इसलिए इसका भविष्य का बुनियादी ढांचा ऐसा तैयार होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, वह अभूतपूर्व है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहाँ पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक मोदी ने अयोध्या के विकास में युवाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया है।
अयोध्या का विकास इस तरह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। जिस तरह भगवान राम में लोगों को साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों में जन भागीदारी होनी चाहिए, खास तौर से युवाओं की। अयोध्या शहर के विकास में युवाओं के कौशल का लाभ उठाना चाहिए। पीएम ने अयोध्या को ऐसा शहर बताया है जो भारत की सांस्कृतिक चेतना में अंकित है। अयोध्या को उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सर्वोत्तम परंपराओं और हमारे सर्वोत्तम विकासात्मक परिवर्तनों को प्रकट करना चाहिए, एक ऐसी अयोध्या का निर्माण होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इसमें आम लोगों की भागीदारी, वहां के युवाओं को जोड़ना और अयोध्या के बुनियादी ढांचे में जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बदल के एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जाए, जहां श्रद्धालु तो राम मंदिर देखने आए लेकिन पर्यटक भी वहां बड़ी संख्या में आए। ये पूरे देश और दुनिया से, यही प्रधानमंत्री ने इसी सपने को रखा है अपने इस कार्यक्रम में। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या में प्रदेश के लिए 6 द्वार बनाए जाएंगे। इनमें लखनऊ रोड पर श्री राम द्वार, गोंडा रोड पर लक्ष्मण द्वार, गोरखपुर रोड पर हनुमान द्वार, प्रयागराज रोड पर भरत द्वार, वाराणसी रोड पर जटायु द्वार और रायबरेली रोड पर गरुड़ द्वार। इसके अलावा सरयू नदी के सभी घाटों और इनके आसपास के सभी इलाकों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या बाईपास से सरयू तक जाने के लिए एक शॉर्टकट सड़क भी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या को एक तीर्थ नगरी, हेरिटेज सिटी, सौर शहर, समरस अयोध्या और बतौर के स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक भविष्य की अयोध्या के निर्माण के दौरान और उसके बाद यहां 4 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और 8 लाख अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अयोध्या हमेशा से भारत की आध्यात्मिक नगरी रही है और बल्कि मैं कहूं तो यह आध्यात्मिक केंद्र रहा है। और निश्चित तौर पर जो हमारी वहां की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी है, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है। अयोध्या तो एक मोहब्बत का शहर है और जो वहाँ पर राम जी की भूमि, जन्मभूमि है, तो हर व्यक्ति अयोध्या से मोहब्बत करता है। इसलिए जब अयोध्या पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सबने उसको स्वीकार किया था और वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। हर भारतीय के मन में बहुत उल्लास है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर शिलान्यास के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए काम में जुटी हुई है। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में अयोध्या का स्वरूप भव्य होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को नई पहचान दिलाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि राज्य सरकार हवाई, ट्रेन और सड़कों के माध्यम से शहर से कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है, जिसके तहत अयोध्या में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अयोध्या का रेलवे स्टेशन ऐसा भव्य हो जाएगा कि उसमें धर्म नगरी की झलक दिखेगी और अयोध्या पहुंचने से 50 किलोमीटर पहले ही धर्म नगरी का एहसास होने लगेगा। सुहावल से विक्रम जोत तक अयोध्या धाम के लिए एक बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव है। रायबरेली से अयोध्या तक की 4 लेन की सड़क का भी प्लान है। सरयू नदी पर एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारी है। यहाँ दशरथ महल, सत्संग भवन के साथ ही यात्री सहायता केंद्र और एक रैन बसेरा का निर्माण कार्य भी चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार अयोध्या में एक खास लगाव रहा है और वो भी शिलान्यास से लेकर अब तक के जिस तरह से अयोध्या में कार्य चल रहे हैं उनकी समय समय पर प्रगति लेते रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो उन्होंने पिछले 14 और 15 जून को अयोध्या में दो एक अहम बैठक की थी जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति के साथ ही साथ जो ट्रस्ट है उसके पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। अब अयोध्या बदल रही है, चारों तरफ सिर्फ नया निर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, सैकड़ों साल पुरानी इमारतों की सूरत बदल रही है, संकरी गलियों के जगह चौड़ी चमचमाती सड़कें बनाई जा रही हैं, राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। इसके लिए सीएम योगी ने अयोध्या के प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए काम शुरू कर दिया है और इस धर्मनगरी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अयोध्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास रिश्ता रहा है। दरअसल 1991 में पीएम मुरली मनोहर जोशी के साथ बतौर एक कार सेवक अयोध्या आए थे और तब उन्होंने कहा था कि वो अगली बार तब अयोध्या आएंगे जब वहां राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना 29 साल बाद पूरा हुआ जब उन्होंने खुद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। और सच तो यही है कि आज की तारीख में पूरे देश के दिल में बसी भविष्य की अयोध्या को एक आध्यात्मिक शहर बनाने के साथ साथ विश्व स्तरीय शहर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त 2020 को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच भव्य राम मंदिर की नींव रखी, पूरा देश जश्न में डूब गया था। करोड़ों राम भक्तों के लिए ये किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था, साधु संतों के लिए ये किसी पावन वेला से कम नहीं थी, क्योंकि 500 सालों के बाद टाट और टेंट में रहने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे थे। राम के धाम में भूमि पूजन की भव्य तैयारियों के बीच कहीं भजन कीर्तन हो रहा था तो कहीं लोग खुशी से झूम रहे थे। राम मंदिर के शिला पूजन के दिन देश और दुनिया राम भक्ति में लीन थी। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 साल बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए तो पारंपरिक परिधान में नजर आए। पीएम मोदी ने गोल्डन रंग का कुर्ता और पीतांबरी धोती पहन रखी थी। धार्मिक कार्यों में पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। हाथ जोड़े हुए नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से लखनऊ पहुंचे थे। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखना पीएम मोदी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। दरअसल 29 साल पहले यानी 1991 में नरेंद्र मोदी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो अयोध्या तभी वापस आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। उस दौरान एक कार सेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। यही नहीं, 1990 में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक जब रथ यात्रा शुरू की थी तो उस रथ पर भी मोदी सवार थे। उस समय जब ये हम मुलाकात हुई थी तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से ही पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के जो है नेता हैं, और इस रूप में मेरा परिचय हुआ था। चूंकि इनके चेहरे मेहरे से हमको बहुत अच्छे लग रहे थे, दाढ़ी की गेटअप थी और बुका भरा हुआ चेहरा था, तो मेरी उत्सुकता हुई कि उनसे बात करने की। मैंने बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला दर्शन कर लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहीं बहुत अच्छा लगा। तो अकस्मात मेरे मुँह से निकल गया कि ये बताइए आप दोबारा अब कब अयोध्या आएंगे। तो उन्होंने इसी बात का जवाब दिया था कि मैं अब जब भी आऊंगा राम मंदिर बनाने ही आऊंगा। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से पीएम मोदी का काफी पुराना नाता रहा है, लेकिन किसे पता था कि एक कार सेवक प्रधान सेवक के तौर पर जब अयोध्या आएगा तो उसी के हाथों मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी जाएगी। जब पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया था तो उस वक्त भारत के साथ साथ खुद उनका भी 29 साल का वनवास खत्म हो गया था। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाने की तैयारियां चल रही हैं।
अयोध्या को ऐतिहासिक शहर का रूप देने के काम की शुरुआत की जा चुकी है। अयोध्या को आधुनिक धर्म नगरी बनाने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी अयोध्या का प्राचीन गौरव एक बार फिर पूरे देश के साथ साथ दुनिया को दिखाई देगा। प्रदेश सरकार के मुताबिक आने वाले वक्त में अयोध्या का सौंदर्यीकरण देखने के बाद विश्व पटल पर अयोध्या का नाम गूंजेगा। मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या के विकास को लेकर जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो नियमित तौर पर वो खुद समीक्षा करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कहीं पैसे की कमी है या प्लानिंग में कमी है तो उसको तत्काल दूर करके जो लक्ष्य है 2024 तक राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के भव्य निर्माण का, उसमें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हो, इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए लगातार योगी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के सौंदर्यीकरण का सबसे अहम पहलू है राम मंदिर और शिल्प कला से उनके जीवन का वर्णन। दरअसल 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने मूर्तिकार रंजीत मंडल से संपर्क किया था। उसी के बाद से अयोध्या में लगातार प्रभु श्री राम के जीवन के हर पड़ाव को घेरे जाने की शुरुआत हुई और अयोध्या में बन रही सैकड़ों मूर्तियां भव्य राम मंदिर के परिसर में लगाई जानी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों मूर्तियां बनाई भी जा चुकी हैं। कितनी मूर्तियां लगभग भगवान राम के जन्म से लेकर और अयोध्या वापसी तक, राजतिलक तक, कितनी मूर्तियां भी और बनानी हैं? ऐसा है कि हमको जो आदेश दिए हैं माननीय चंपतराय जी, जो उनके आदेश से चल रहा है, तो हमको दिया गया है कम से कम राज्याभिषेक तक मूर्ति बनाना है। जो भगवान राम जो अपना सरजनी में नदी में अपना प्राण वो दिए थे, विसर्जित हुए थे, तो उतना तक तो हमको बनाना है। लेकिन हमारा जो है अभी वर्तमान में जो वहाँ तक बना है, जो सीताहरण तक, जो लगभग तैयारी में है और बाकी हमको और 40-50 स्क्रिप्ट और कंप्लीट करना है। नवंबर 2020 में न्यूज 18 की टीम ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण की तैयारियों का जायजा लिया था। राम मंदिर में लगने वाली इन मूर्तियों को राम जन्मभूमि के 67 एकड़ के परिसर में लगाया जाएगा। कुल 500 मूर्तियां बनाई जानी हैं, जिनमें से सैकड़ों मूर्तियों पर काम पूरा किया जा चुका है। इन मूर्तियों में भगवान राम के बचपन से जुड़ी हर कहानी शामिल है। मूर्तियों के जरिए चारों भाइयों को शिक्षा ग्रहण करते दिखाया गया है। इन मूर्तियों के जरिए ये भी बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने ताड़ का वध किया। अब तक जो राम मंदिर निर्माण को लेकर कार्य किया गया है वो किस स्टेज में पहुंचा है और कितना काम पूरा हुआ है, क्योंकि ये लक्ष्य रखा गया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और निर्माण समिति द्वारा कि इसे 2024 के पहले पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ किस तरह से अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाने का बनाई जा रही हैं और किस तरह से जो अयोध्या जिस तरह से त्रेता युग में दिखती थी, जो दिव्यता और भव्यता थी, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए अयोध्या और राम से जुड़े जो संदर्भ हैं उनको अयोध्या की दीवारों और उस पर उकेरा जाएगा। किस तरह से अयोध्या की जो सरयू नदी है उसके किनारे सरयू रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाएगा। किस तरह से अयोध्या का जो पंचकोसी मार्ग है जहां पर हर साल करोड़ों लोग, लाखों लोग वहां पर जाकर परिक्रमा करते हैं, उसके चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटन है, जो क्योंकि भगवान राम की करोड़ों लोगों में आस्था है जो कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहते हैं, उनके अयोध्या पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री राम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जो भी लगभग पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो पहले से ही शुरू हो चुका है और अयोध्या में पिछले 4 साल से दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव की शुरुआत ने इसे वैश्विक पहचान दिला दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पवित्र नगरी में दीपोत्सव और रामलीला जैसे आयोजन साल दर साल भव्य पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर धीरे धीरे निर्माण की ओर बढ़ रहा है तो अयोध्या शहर का रूप भी बदल रहा है। यानी अब वो आधुनिक अयोध्या बनने जा रही है जो पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ करोड़ों देशवासियों का हमेशा से सपना रहा है।